दोस्तों किसी का भाई किसी की जान, मैंने फिल्म देख ली है। मुझे फिल्म कैसी लगी है बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सिंपल सीधी बात मैं कहना चाहूँगा, फर्स्ट हाफ काफ़ी वीक है, जिसे मैंने कहा स्टोरी वाइज काफ़ी वीक है, और फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी भरने की कोशिश की गई वो कॉमेडी ओवर लगती है। फिल्म सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं बांधे रखती है, सेकेंड हाफ में स्टोरी थोड़ी पकड़ती है, जहाँ पे स्टोरी थोड़ी साउथ इंडिया में जाती है। दिल्ली तक जब स्टोरी थी फर्स्ट हाफ में, तब तो उतना मज़ा नहीं आता, लिटरली टेल यू। सेकेंड हाफ में फिर स्टोरी थोड़ी बंद थी, इसलिए क्योंकि वेंकटेश सर का परफॉर्मेंस काफ़ी जेन्यून, काफ़ी ओरिजिनल है। जगपति बाबू का परफॉर्मेंस काफ़ी ठीक ठाक है, और सतीश कौशिक का जो सीन था लास्ट में वो थोड़ा इमोशनल कर देता है, और सलमान खान का जो पेटेंट शर्ट उतार के जो फाइट सीन है लास्ट में वो थोड़ा अच्छा लगता है। यानी कि ये जो फिल्म है ये बैकग्राउंड म्यूजिक का अच्छा है, इसके लोकेशंस बहुत अच्छे हैं, शूट बहुत अच्छे से किया है, लेकिन जो वीक स्टोरी है उससे ये फिल्म काफ़ी दबसी जाती है। पहला हाफ काफ़ी, जैसे मैंने कहा, वीक लगा स्टोरी वॉइस, स्क्रीन प्ले वॉइस। सेकेंड हाफ थोड़ा बहुत उसमें दम दिखा, गाने होने, जैसे आठ गानों उसमें से तीन चार गाने ठीक है, बाकी गाने ज़रूरत नहीं थी। विजेंद्र सिंह का जो विलन वाला रोल है वो बहुत हजम नहीं हुआ, और जगपति बापू का रोल तो अच्छा था विलन वाला, विदाउट ए डाउट। वेंकटेश का परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा दिल से, और सतीश कौशिक को बहुत मिस करूँगा, और एक कैमियो है बागशी जी का, आपको बताना चाहिए था, बट दिस इज स्पॉइलर, बट स्टिल अच्छा है वो कैमियो, बहुत अच्छा है। वो ही एक ऐसा सीन है जो पूरी फिल्म में जान फूंकता है। फिल्म में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लीशे है, क्लीशे मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने ऐसी चीज़ें देख चुकी है सलमान खान से जुड़ी हुई, उनकी फिल्मों से जुड़ी हुई, तो पब्लिक ज़्यादा बेहतर करती, ज़्यादा उम्मीद करती है। मतलब लिटरली आपको कहूँगा कि फिल्म लोग ना देख रहे थे और सीरियस सीन चालू था तो उसमें हंस रहे थे। यानी कि फराज सामजी ने ये एक सीरियस फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन लोगों ने इसे कॉमेडी फिल्म समझ के इंजॉय किया, तो आप समझ रहे, तो ये एक बहुत बुरी चीज़ है। पब्लिक का पैसा वसूल नहीं होगा, ये बात तय है। मेरा पैसा कुछ नहीं तो कम से कम मान लो मेरा 20-25% पैसा ही वसूल हुआ है। सलमान खान इज़ रियली ग्रेट एज ए पर्सन, उनकी फिल्में भी अच्छी अच्छी आती, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी वीक लग रहे हैं। और सेकंड हाफ में थोड़े बहुत इमोशनल सीन्स सलमान खान की, पूरी फिल्म में जो मेन इमोशनल सीन्स है वो सेकंड हाफ में आते हैं, इसलिए फिल्म थोड़ी उठती है। एक सीन बहुत अच्छा था फायरिंग वाला, लेकिन वो उसे ऐसा चेंज किया ना, फिर मूड खराब हो गया मेरा, वरना वो सीन मेरे को लगता है वन ऑफ द बेस्ट सीन था, ऐसा मुझे लगता है। तो फिल्म ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा, फिल्म को ज़्यादा उम्मीद के साथ मत जाइए, बट इफ़ यू आर ए डाई हार्ड फैन सलमान खान, आपको ये फिल्म पसंद आएगी। और अगर आप सलमान खान के बहुत डाई हार्ड फैन नहीं है तो आप ये फिल्म स्किप कर सकते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जैसे मैंने कहा, पूजा हेगड़े और सलमान खान का केमिस्ट्री था फर्स्ट हाफ में, जो बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब अच्छा लगा, सेकेंड हाफ काफ़ी ठीक था। और हाँ, मैं ये कहूँगा कि जो छः एक्टर्स है, तीन हीरो और तीन हीरोइन, जैसे नाज गिल, पलक तिवारी, इसके अलावा और एक हीरोइन है, इसके अलावा राघव जुएल, सिद्धार्थ निगम और जस्सी गिल, इन सबको बहुत ज़्यादा रोल दिया नहीं गया, ये सब फिलर्स है। जैसे 5-6 मिनट या 10 मिनट तक का रोल दिया होगा, मुश्किल से मुश्किल, और कुछ लोग दिखा नहीं पाए अपनी एक्टिंग टैलेंट, सब कुछ दिखा नहीं पाए। बहुत ही 80s और 90s के स्टोरी जैसी वही रिपीटेड स्टोरी लगेगी आपको, बहुत ज़्यादा फिल्म आपको कनेक्ट नहीं करेगी। बट डेफिनेटली अगर आप भाईजान के फ़ैन हैं तो आपके लिए पिक्चर ज़रूर है, आप जाके ईद मनाइए, फिल्म देखिए। मैं सेकेंड हाफ में थोड़ी जो इज्जत बचाइए फराज साम जी ने, जो थोड़ा सा इमोशंस डाला है और जो साउथ कल्चर दिखाया है और जो गाने गुड़ाले साउथ वाले, उससे मेरा दिल थोड़ा सा भर आया, और मैं बड़ा दिल करके इसे 2.5 स्टार दूंगा। एवरेज फिल्म है ये, 4 दिन के बाद ये क्या होगा इस फिल्म का मंडी के बाद ये कोई नहीं जानता, पर ये 4 दिन फिल्म जरूर कमाई करेगी दोस्तों। मेरा रेटिंग 2.5 स्टार आउट ऑफ 5। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय, टेक केयर।